वक्रतुंड महाकायल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमदेव सर्वकालेषु सर्वदा। हेलो दोस्तों, अथर्व किचन में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। गणेश जी के पसंदीदा भोग मोदक की एक और रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आज हम बनाएंगे कोकोनट मोदक। इसके लिए मैंने पैन में यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी लिया है। इसको मेल्ट कर लेंगे हम और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप कोकोनट पाउडर। यह आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से आसानी से मिल जाएगा। इसको हमें हल्का सा भून लेना है, हल्की सी खुशबू आने लगेगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ नेस्ले का मिल्क पाउडर यूज़ किया है, आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसमें 1 कप दूध डाल सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी। पानी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर फूड कलर यूज कर रही हूँ। 1 चुटकी फूड कलर को मैंने 1/2 चम्मच पानी में मिक्स करके इसमें मिक्स कर दिया है। मैं यहाँ येलो कलर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं। तो कलर पूरे में मिक्स हो गया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी या चीनी का पाउडर। मैं यहाँ पे 1 कप शुगर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये आप घर में चीनी को पीस के भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, चीनी की मात्रा भी सेम रहेगी। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी डाला है दोबारा से। पानी इसलिए डाला है क्योंकि जो हमने चीनी या चीनी का पाउडर मिक्स किया है वो अच्छे से कोकोनट पाउडर में अब्सॉर्ब हो जाए। अब मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद का एसेंस डाल सकते हैं। अब हम 1 मिनट के लिए इसे ढक देंगे सिम गैस पर। यह हमने इसलिए किया ताकि जो भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं, केवड़ा वाटर है या जो भी एसेंस है, चीनी है, सब अच्छे से एक दूसरे में अब्सॉर्ब हो जाए। तो डो तो बनकर तैयार है हमारा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता और खरबूजे के बीज। आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो ठंडा हो चुका है। अब मैंने यहाँ साँचा लिया है मोदक बनाने का, इसमें हम इसको फिल कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है क्योंकि इसमें कोई फिलिंग भी नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें डो को डाल के अच्छे से फिंगर से प्रेस कर देना है ताकि इसकी अच्छे से अपना आकार ले सके। अच्छे से फिल हो गया है, अब हम इसे खोल देंगे। बहुत ही प्यारी सी शेप में मोदक बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिस तरह से हम मोदक बना रहे हैं, इनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हुई है। ऐसा नहीं है कि इनको हम जब साँचे से निकाल के रख रहे हैं तो ये फूट रहे हों या टूट रहे हों, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से इनकी बाइंडिंग भी हो रही है। तो एक एक करके हम सारे मोदक बना लेंगे अपने इस डो के। तो मोदक बनकर तैयार है, अब मैं इनको गार्निश कर रही हूँ। गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस भी चीज़ से आप गार्निश करना चाहें। मैं यहाँ पर पिस्ता पाउडर से इनको गार्निश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आपको मोदक बनाने की झटपट सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।